सो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। और अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है अभी अभी, और नीट 2024 सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ टू स्टे काउंसलिंग। सबसे प्रमुख बात ये है कि जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक ये डिसीजन ना आ जाए तो हमें अपने काउंसलिंग को रोकना चाहिए, बट सीक एनटीए रेस्पॉन्स ऑन द पेपर लीक एलिगेशंस। बट अभी भी एनटीए को जवाब देना पड़ेगा कि पेपर लीक का क्या एलिगेशन है। ठीक है, द कोर्ट वॉज हियरिंग ऑन द बेंच ऑफ पिटीशन। आप देख, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, कैंसलेशन ऑफ नीट एग्जाम 2024 ओवर लीक पेपर लीक एंड अदर इरेगुलरिटी ऑफ दिस ईयर, राइट। अब थोड़ा आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस पूरे चीज़ों में क्या हमें नज़र आता है। ये देखिए, ये हाई कोर्ट का आज ही का वर्डिक है, अभी अभी 2 मिनट पहले ही। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ट्यूसडे रिफ्यूज टू स्टे काउंसलिंग फॉर द एडमिशन ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस ओवर द लीक पेपर लीक एंड इरेग्युलैरिटी इज द नेशनल एलिजिबल, मतलब नीट है ना, और एग्जामिनेशन 2024, और किसने लगाया था, शिवानी मिश्रा वर्सेस एनटीए एंड अदर्स, राइट। अ वैकेशन बेंच जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस अहमदुल्ला इशू नोटिस ऑन द इन्होंने नोटिस इशू किया है एंड पिटीशन सीकिंग द कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन मे, इन्वेस्टिगेशन टू द पेपर लीक के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। द कोर्ट लिस्टेड द मैटर ऑफ कंसिडरेशन ऑन July 8 एंड उन्होंने एनटीए से रिस्पॉन्स मांगा है। वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग, पहली बात ये है, वी विल नॉट स्टॉप द काउंसलिंग इफ आर्ग्यू फर्दर वी विल डिसमाइज दिस द कोर्ट रिमार्केबल। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये जस्टिस, इन दोनों ने, जस्टिस ने आज हियरिंग किया है। द कोर्ट वॉज हियरिंग बेंच पिटीशन सीकिंग द कैंसलेशन ऑफ नीट यूजी ओवर द एलीक पेपर लीक, सिमिलर पिटीशन वॉज पेंडिंग। बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए हैं और बहुत सारे पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग द दिल्ली कलकत्ता हाई कोर्ट एंड वन ऑफ द पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्पेशली रिफर्स टू द एलिगेशन दैट पेपर वॉज लीक इन पटना एंड रॉन्ग क्वेश्चन पेपर वॉज गिवेन टू द कैंडिडेट इन राजस्थान, राइट। द मीडिया रिपोर्ट एंड ऑल्सो स्टेट दैट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट गॉट परफेक्ट स्कोर एज पर द रिजल्ट पब्लिश इन June 4, राइट। द कैंडिडेट हैज़ अलीग इरेगुलरिटी इन अवार्ड टू कम्प्लीमेंट्री मार्क इन अ स्टूडेंट इन द लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ टाइम के लिए भी बताया गया है। अब देखिए जरा, ऑन May 17 द 3 जज बेंच चीफ जस्टिस इन इन सब का नाम है ना, मिश्रा डिनाई द स्टे टू द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 2024। हाउएवर इट इज़ यूट्यूब नोट ऑन द वो सारा चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ आपको, और चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें मुझे लगता है कि अभी और सुनवाई बाकी है ना, और सुनवाई बाकी है। सिर्फ और सिर्फ इसके बदौलत काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, इसके बदौलत काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ऑन May 17 द 3 जज ने पब्लिश किया और हाउ वेर इट्स रिसूज, तो कुछ और भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसी से काम चल जाएगा। और भी देखिए पिटीशन है, द डिवीजन बेंच राजा विदान, ये दूसरा है, ठीक है। बट ये तो जहाँ तक अभी पता चल रहा है कि इन्होंने कहा है कि काउंसलिंग शुरू रहेगा, है ना, और मतलब सही से हुआ नहीं। रीनीट के बारे में भी नहीं बताया गया है, टाइम के बारे में भी नहीं बताया गया है ना। तो अभी देखते हैं कि आगे का क्या है। ये पूरा इस वर्डिक्ट पे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसा कि अभी तक का अनुमान ही लग रहा है। एक बार और फाइनल वर्डिक्ट आ जाए, है ना, तो फिर और थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या आखिरकार चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, वी नॉट स्टॉप काउंसलिंग फर्दर, वी विल डिनाई दिस द कोर्ट रिमार्क, है ना। तो देखते हैं कि आगे क्या और, मतलब है ना, और क्या पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है ना। इस चैनल पर बने रहिएगा, फिर हम आगे जैसे भी कुछ होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।